7 लाइव टीवी। तो नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, जहां तमाम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वहीं मिर्जापुर जनपद में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। भले ही यह विद्यालय सेंट जोसेफ सेकेंडरी नाम से है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय हो और पढ़ाई भी अंग्रेजी माध्यम से होती हो, किंतु इस विद्यालय में कई वर्षों से प्रबंधक आर जोसेफ एवं प्रधानाचार्य संगीता व्यास के अथक प्रयासों से एवं योगाचार्य भोलेनाथ के मार्गदर्शन में यह विद्यालय भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवित रखने में सफल प्रयास कर रहा है। 14 फरवरी को शहरों यहां तक कि गांव में भी वैलेंटाइन डे के नाम से ही लोग मनाते हैं। युवाओं में तो यह खास तौर से प्रचलित है और तमाम जगहों पर भारतीय संस्कृति के मूल्यों को तार तार करते हुए देखा जाता है, किंतु इस विद्यालय में 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चे बड़ी ही उत्सुकता से भाग ले रहे हैं। इस विद्यालय के इस प्रयास को समस्त जनपद में सराहा जा रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। ये बहुत खुशी की बात है, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इन बच्चों के लिए और हमारे इस स्टाफ के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी है। अंग्रेजी नाम का स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ते हैं, भारतीय संस्कृत परंपरा को बढ़ाने के लिए। जी अपना नाम बताएं। जी, ये जो विद्यालय की तरफ से कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आपको? हमें ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। ये पहले से भी कार्यक्रम कई वर्षों से हो रहा है, पहली बार आप शामिल हुई हैं? हम पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए, प्रोग्राम तो हमेशा ही होते हैं। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्यामगिरी है, मैं विजयपुरा का रहने वाला हूँ। ये जो विद्यालय की तरफ से कार्यक्रम हुआ, ये कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा। विद्यालय को तरफ से बच्चों को संस्कार सिखाया जा रहा है। वर्ष में एक बार माता पिता का भी दिन होता है, जो कि बच्चे आज दिखा दिए करके कि माता पिता क्या हैं और बच्चे भी क्या हैं, ये माता पिता भी जान चुके हैं कि हाँ बच्चे भी हमारे क्या हैं। जी, और मैं एसपी ऑफिस में दीवान हूँ, मेरा बच्चा यहाँ नर्सरी पढ़ता है। जी, और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गिरती हुई संस्कृत को पुनः जागृत करने के लिए ये स्कूल ने पहल किया है और मातृपित्र दिवस के रूप में सभी बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन करके भारत के मूल्यों को नया जीवन देने के लिए प्रयास कर रहा है। स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दृष्टिकोण में बहुत अच्छा कदम उठा रहा है, योगदान दे रहा है। बहुत अच्छा लगा, सब जो बच्चे डांस किए मैम लोग को। स्कूल के कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? अभी जो भी कुछ होता है यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते हैं, मैम लोग भी बहुत ध्यान देती हैं स्कूल में। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? 2 बच्चे पढ़ते हैं। जी सर, परिचय बताएं आपने। मेरा नाम आर जॉनसन है, मैं इस स्कूल का प्रबंधक हूँ। जी, ये जो कार्यक्रम आपने कराया मातृ दिवस, इसमें ये कराने का विचार कहाँ से आया? आजकल जो वर्तमान युग चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है, खास तौर से बच्चे अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम लोग उसी संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम आज से नहीं, 4 साल पहले से ही हम लोग चलाते रहे और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। मैडम परिचय बताएं अपना। मेरा नाम संगीता व्यास है और मैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल प्रधानाचार्य के पद पर आज हूँ। मैम, जो ये कार्यक्रम हुआ आपके स्कूल में, इसको कराने का विचार कहाँ से आया आपको? इसका कराने का विचार हम योग गुरु भोलानाथ जी के सानिध्य में रहकर मिला और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को इंग्लिश मीडियम पढ़ना जरूरी है, लेकिन अपने संस्कार को भूलना जरूरी है। अगर हम भूल जाएंगे तो सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी
और माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो संसार में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और अगर हम माँ बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो हमारा यश, विद्या, बुद्धि और बल चारों का जो प्रसार है वो बहुत तेजी से हो। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24 7 लाइव टीवी। नमस्कार।